समय मेरे साथ है चंद्रिका के हस्बैंड यश। यश वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं बहुत अच्छा हूँ। यश मुझे ये बताइए, ज्यादा मिस कौन कर रहा है, छोटा यश या बड़ा यश चंद्रिका को? दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे सोचिए। हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है, मतलब चंद्रिका को देखकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, तो आपको लग रहा है कि जिस जोश से उन्हें खेलना चाहिए था उस जोश से उन्होंने खेलना किया, मतलब खेला उन्होंने? कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधी हुई है वो, मैं ये कहूंगा। हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट है कि रुद्र साथ में नहीं है, रुद्र और मैं साथ में नहीं है, इसीलिए तो वो थोड़ा सा लोनली फील कर रही है वहां पे, जिस वजह से पूरा खुल के नहीं आ पा रही है। आपको नहीं लगता कि जब इतने छोटे कम समय के लिए एक बिग बॉस था, तो आपको पहले ही दिन से गेम मतलब फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था? फ्रंट फुट पे तो वो शुरू से खेल रही है, जैसे है वो वैसे ही शो कर रही है अपने आप को। जरूरी नहीं है कि अच्छा, हर बार अगर उसकी लड़ने वाली क्लिप वायरल हुई है तो वो जरूरी नहीं है उसका नेचर वैसा ही हो। ओके। पर लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि रियल चंद्रिका तो वही है जिसे लोग देखना चाह रहे थे, इसीलिए लोग इस चंद्रिका को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि या तो वो मे बी फेंक है कहीं या ना कहीं मेरे बड़ा क्रिकेट ही रीजन ये फेंक है, है। हाँ, कहीं ना कहीं बड़ा रीजन यही है, क्योंकि लोगों को जो एक्सपेक्ट था कि वो लड़ती झगड़ती है, मे बी शो के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन रियल पर्सनैलिटी उसकी वो है ही नहीं। तो आपको लगता है कि चंद्रिका, देखिए कोई ऐसा भी सोचते हैं कि वो जानबूझ के अपना इमेज चेंज करना चाह रही थी, इसके लिए वो घर के अंदर इतना शांत रह रही है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे या किसी भी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर किसी की फैमिली पे बात आएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, या किसी के काम पे बात आएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? वो तो हमने शो में भी देखा कि फैमिली पे बात आई तो कैसे रिएक्ट हुआ। तो बस यहाँ पे भी ऑन ऑन ग्राउंड भी यही कहूंगा, ऑन इन रियलिटी भी, अगर किसी के ऊपर, किसी की फैमिली के ऊपर या किसी के काम के ऊपर बात आएगी तो ऐसे ही तो रिएक्ट करेगा वो। ऑब्वियस वो हाँ उसके लिए हाँ लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। चंद्रिका की अगर मैं कहूं तो आपको इस शो में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगी? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो खुद ही है इस शो के अंदर। ओके, आपको लगता है कि उसने अपने आप को जिस ग्रुप में रखा हुआ है वो ग्रुप उसके लिए सही नहीं? थोड़ी देर पहले मैं लाइव देख रही थी, शिवानी उसको ये कह रही थी कि जिस ग्रुप में तुम बैठती हो वो ग्रुप तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो उसके लिए क्या सोचता है या फिर क्या नहीं सोचता। ग्रुपिज्म आज कुछ और है, कल कुछ और है, कल कोई किसी और के साथ बैठा होगा, ये हर दिन उसमें आए दिन चेंज होते रहते हैं। अचानक से चंद्रिका और शिवानी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो गई, आपको क्या लगता है? शायद जो चंद्रिका उसे समझाना चाह रही थी, शिवानी वो चीज समझ नहीं पाई। मे बी ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि शिवानी को समझाने की कोशिश कईयों ने की थी लेकिन वो नहीं समझ रही उस चीज को। तो सेम चीज चंद्रिका के साथ भी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रिका ने उसकी केयर करना बंद कर दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही अलग हो गए। केयर तो उसकी अभी भी करती है, खाना उसको पूछती है, फिर बीमार जैसे हुई थी अभी 1-2 दिन पहले तब भी उसकी अच्छे से पूरी केयर की थी, कहीं पे उसकी बैक बिचिंग कुछ नहीं की, कहीं कुछ नहीं, कुछ के लिए गलत थोड़ा बोला उसने। आपको लगता है कि चंद्रिका ने जो लेटर ना लिख के शिवानी के लिए उसको नहीं चूज किया, वो उसकी तरफ से गलती थी क्योंकि शिवानी की एक्सपेक्टेशन थी? हाँ, इस चीज के लिए मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ कि एटलीस्ट लेटर में ये लिख देना चाहिए था उसको। लेटर शिवानी के लिए लिखना चाहिए था। बिल्कुल, क्यों सोचते हैं आप ऐसा? शो में इतने टाइम तक तो उसके साथ रही थी, कुछ भी था, एक लेटर लिखना बनता था उसके लिए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव वो ही लिख देती कि यहाँ पे आप गलत थे तो यहाँ पे आपको चीज सुधारनी चाहिए थी। जैसे कि लव ने लिख के दिया था उसको, शिवानी को। हाँ, आपको लगता है वही जो दरार आई वही दरार अब उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अब कल चंद्रिका को उसी पॉइंट पर ज्यादा नॉमिनेशन मिले ना, लव की तरफ से, शिवानी की तरफ से? हम्म,
क्योंकि यहां पे ऐसा लगा कि वो अपने दोस्त के लिए भी लॉयल नहीं है। नहीं, लॉयल की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मे भी उसका खुद का कोई रीजन हो ना लिखने का, उसको हाँ जो हाँ उसने हाँ ना बताया हो, ये हो सकता है। हाँ ओके। शिवानी आपको भी लगता है कि जो चंद्रिका का पॉइंट है कि वो बहुत कई बार बदतमीज हो जाती है? फ्लो फ्लो में कई बार ऐसा निकल जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है शिवानी के साथ भी कि ठीक है उसका नेचर वैसे ही है, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन नेचर जब एक लिमिट पार कर जाता है ना, तो वहां पे उसको थोड़ा शांत होना चाहिए। वो उस चीज को नहीं समझती, जैसे बच्चा बुद्धि जिसे कहते हैं ना, वो है। दीपक कई बार नॉमिनेट हुए लेकिन नहीं निकले, और हर बार उस समय या तो नॉमिनेशन खारिज हो गए या कुछ ना कुछ हो गया। तो आपको लगता है कि चंद्रिका बलि का बकरा बन सकती है इस हफ्ते? लग मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रहा है कि आपको? जैसे मिडवीक इवेक्शन जो कैंसल हुआ, उसकी जगह फिर सेम डे नॉमिनेशन हुआ, उसमें जो चार कंटेस्टेंट्स है, अरमान, विशाल, कटारिया और शिवानी, इन और पांचवी चंद्रिका। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेकर्स साइड में धकेल रहे हैं। सारे के सारे चारों कंटेस्टेंट वही रहे, बस दीपक को चंद्रिका ने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ है, ये आपको लगता है? क्या पता, या फिर मुझे नहीं पता, इन साइडलाइन शो किया के जा अंदर रहा चल है। रहा हूँ इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे क्योंकि अंदर की कोई खबर नहीं है। ऐसा ऑडियंस मैं भी में बस आपसे पूछ लाइव रही देख हूँ। पाता हूँ। एज अ ऑडियंस कहूँ तो मे भी हो सकता है। पिछले वीकेंड का वार में एक मुद्दा उठा था साई और चंद्रिका वाला। यहाँ पे साई की तरफ से तो शिवांगी को बुलाया गया, आपको लगता है चंद्रिका की तरफ से उसकी फैमिली को भी बुलाया जाना चाहिए था? मेरे पास अब तक ऐसी कोई अप्रोच आई नहीं थी। हाँ, आप उस मुद्दे पर क्या कहेंगे जो चंद्रिका ने मसाज वाली बात कही थी? आपको साई की इंटेंशन गलत लगी थी? साई की इंटेंशन मुझे नहीं पता उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हाँ, लेकिन अगर चंद्रिका की वहां पे गलती थी, तो उसने ऑन स्टेज वहां पे माफी भी मांग ली थी साई से कि अगर उसे आपको हाथ कोई भी चीज की जोड़े बुरी लगी हो। बिल्कुल और घुटनों पे भी बैठ के, ये बात मुझे चंद्रिका की बहुत अच्छी लगी कि उसने तुरंत साई की इमेज को क्लीन कर दिया कि भाई मेरे मन में सच में ऐसा नहीं था। बिल्कुल। अरमान के साथ पहले से जानती थी चंद्रिका, ये बात उसने खुद कबूली है शो में। तो क्या कुछ प्लानिंग के साथ गए थे? ऐसे तो जो सना सुल्तान है और विशाल पांडे हैं, वो भी आपस में दोनों को जानते हैं, 6 साल से हाँ, जानते हैं, तो उनकी भी कोई प्लानिंग से गए थे क्या? नॉर्मल फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं ना, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ, ऑडियंस जानना चाहती है कि कोई पहले से मिले थे, था कि अंदर साथ में खेलेंगे, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर के अंदर चंद्रिका की दोस्ती आपको किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज्यादा इसके साथ अच्छी लगती है कृतिका और सना मकबूल। ओके। आपको लगता है कि उनको उसको उसके साथ रहकर गेम खेलना चाहिए, मतलब आगे? गेम तो सब यहाँ पे सब अपना अपना तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन एज अ फ्रेंडशिप पूछोगे तो उन दोनों के साथ। कल विशाल को लेकर चंद्रिका ने कमेंट किया कैरेक्टर पर, उसके बाद विशाल ये कहता नजर आया कि ये तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया ना। तो आपको लगता है कि चंद्रिका को जो कृतिका का पॉइंट है, मतलब कृतिका इतना नहीं बोल रही थी जितना चंद्रिका उस मुद्दे पर बोलती नजर आती है, तो ऐसा क्यों? सॉरी, लेकिन मैंने कल का एपिसोड देखा नहीं था। नॉमिनेशंस हुए थे और उन्होंने विशाल के लिए बोला था कि ये लड़कियों को किस निगाह से देखता है, क्योंकि हमने तो देख नॉमिनेशन लिया। नॉमिनेशन वाली बात भी ना, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे फीड पे देखी थी, मैं एपिसोड नहीं देख पाया था। ओके ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने विशाल पे उंगली उठाई थी और विशाल को नॉमिनेट किया है कृतिका वाली ओके, बात को ठीक लेकर। है, थोड़ा और उसके बाद जब सा ब्रीफ विशाल करिए गले में ताकि मेडल मैं इसमें कुछ पहनाना बोल था, पाऊँ। क्या? थोड़ा सा ब्रीफ करिए ताकि मैं इससे कुछ बोल पाऊँ फिर। हाँ, तो यहाँ पर
इसने बोला कि विशाल को मैं इसलिए नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि हमें वीकेंड कबाब में पता चल ही गया है कि वो लड़कियों के लिए मतलब कृतिका के लिए कैसा सोचता है, इसकी नीयत कैसी है। फिर यहाँ पे मेडल पहनाना था, तो जब विशाल मेडल पहनाने गया तो उसने बोला नहीं मेरे हाथ में ही दे दो। मतलब उसने विशाल को ऐसा दिखाया कि हर किसी को उस नजर से ही देखता होगा। तो विशाल ने बाद में बोला कि ये तो मेरा प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया ना, मेरे कैरेक्टर पे और नीयत पे इतने सवाल क्यों। बाद में अरमान ने भी बोला कि प्लीज अब इस टॉपिक को बार बार कोई भी ना दोहराए। तो आपको लगता है कि हाँ चंद्रिका क्या कहते हैं उस बारे में बार बार बात कर रही है जितना कृतिका भी नहीं कर रही। कृतिका और चंद्रिका जब साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात अपने आप को सामने आ जाती है, जितना मैंने अब तक देखा है। हाँ वो दोनों जब भी बैठ के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात अपने आप सामने आ जाती है विशाल को लेके। अब जैसे और शिवानी ऑब्वियसली से बात है यार, पूछेंगे। किसी लड़की के बारे में अगर आप किसी को जज करोगे या फिर उसको ऐसे बोलोगे तो वो उसके दिमाग, उस लड़की के दिमाग से इतनी आसानी से बात निकल थोड़ी ना जाएगी कि वो उस मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था। ओके ओके हाँ, तो आपको लगता है कि उस दिन शिवानी से भी चंद्रिका सवाल जवाब करती नजर आई थी कि तू ऐसे लड़के के साथ बैठ रही है, ऐसे लड़के के साथ, जबकि कृतिका को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कृतिका उससे ये सवाल कर रही है। मे बी इसका रीजन ये है कि शिवानी चंद्रिका के ज्यादा क्लोज थी, इसलिए वो उससे पूछ रही है, ऐसा उसको बोल रही थी बार बार। दैट्स व्हाई। तो आपको ये चीज सही लगी? उसने कहीं ना कहीं उसको बहन माना है हाँ, तो उसके हक के लिए या फिर उसके भले के लिए बोल रही हो शायद। अच्छा हाँ। आपने अरमान और लवकेश वाला और विशाल वाला पूरा एपिसोड देखा होगा, आप उसकी उस मुद्दे पे क्या हाँ राय है? जो विशाल ने लव के कान में बोला वो भी सही नहीं था। उसके बाद आपने एक और क्लिप भी देखी होगी, विशाल और लव बैठे थे तो वो अरमान और कृतिका जिम कर रहे थे, तब विशाल ने कमेंट भी पास किया था, उसमें कहीं ना कहीं आपको विशाल का पता चल ही गया होगा इंटेंशन कि हाँ किस वे में बोल रहा था। तो वहां पे हाँ विशाल तो बिल्कुल भी सही नहीं था। और रही फैमिली की बात, तो ऑब्वियस ही बात है जैसा मैंने कहा था कि फैमिली में बात आएगी तो एक्शन का रिएक्शन होगा, हाँ लेकिन बिग बॉस के हाउस में ये एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक भी है, किसी के ऊपर हाथ उठाना वो भी सही नहीं है। और अरमान इस चीज के लिए रेडी भी था कि मेरे को निकाल दो बाहर भाई, लेकिन मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है। हाँ, ट्रू ट्रू उसने बोला था। कि मेरे को शो मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, शो सेकंड है। लेकिन बार बार विशाल को उसी इंसिडेंट पे जज करना आपको ठीक लगता है? बार बार विशाल नहीं, जब एक चीज हो चुकी है फिर उस चीज को बार बार नहीं दोहराएगा तो वो भी ज्यादा बेहतर है, ना दोहराए उस चीज को। मतलब घर में उस टॉपिक को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस लड़की के बारे में बोला गया तो उतनी जल्दी उसके दिमाग से नहीं निकल पाती वो चीज है। वो तो है। हाँ, इस हफ्ते आप किसको देख रहे हैं कि बाहर आएगा? वोटिंग ट्रेंड देखा जाए तो चंद्रिका एलिमिनेट होगी, क्योंकि जो चार कंटेस्टेंट बाकी हैं उनकी वोटिंग अपील काफी अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप उनके चाहता फैन नहीं हूँ से कि क्या बाहर अपील? निकले, चाहता नहीं हूँ कि बाहर निकले आगे तक जाए, चाहता तो मैं यही हूँ, लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है अभी, बाकी कुछ नहीं पता, क्या पता एंड मोमेंट में कुछ भी चेंज हो जाए, बाहर क्या पता बाहर वाला गेम खेल जाए, माइट बी पॉसिबल। हो सकता है कुछ भी, क्या पता नॉमिनेशन ही ये हो जाए, रद्द हो जाए। नहीं, नॉमिनेशन तो वीकेंड के वार पे हो रहा है तो नॉमिनेशन तो रद्द होने का चांस नहीं है। मिड वीक इवेक्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है वो कह सकते हैं, लेकिन वीकेंड के वार पे आपने अगर कोई आज तक हुआ है तो मेरे को बताइए, मेरे को ज्यादा नहीं पता इस बारे में। फेस्टिवल्स वगैरह हो तब होता है, बस दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, लेकिन अभी बाकी तो ना कोई वो तो फेस्टिवल है ना कुछ है। अभी तो कोई फेस्टिवल नहीं है। बाकी मेकर्स के ऊपर यस डिपेंड करता है कहाँ कौन सी गेम घुमाते, कुछ नहीं पता। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, है ना। तो मैं आखिर में जानना चाहूंगी, चंद्रिका हर बार अपनी स्ट्रगल स्टोरी, अपनी लव स्टोरी शेयर करती हुई नजर आई है और बार बार कैमरे को बोलती हुई नजर आई है कि मैं अगर आऊंगी तो मुझे पहले 7 दिन कहीं घूमने जाना है, टिकट बुक करवा लेना। आपने देखी होगी वो क्लिप्स, तो कहाँ की बिल्कुल, टिकट बुक हुई है? अभी तक तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और होगा भी तो सरप्राइज होगा। सो स्वीट। बाहर वड़ा पाव, मतलब
मिस कर रहा है चंद्रिका को, चंद्रिका तो बहुत मिस कर रही है अपनी शॉप को और सबको। बहुत कस्टमर्स पूछते हैं भैया दीदी कैसा परफॉर्म कर रही है, दीदी कैसा परफॉर्म कर रही है अंदर। मैंने कहा टीवी लगा हुआ है देख लो कैसा परफॉर्म कर रही है। वहां पे भी मैंने बिग अरे बॉस 24/7 लाइव चला रखा है। वाह, वेरी नाइस। सॉरी तो कस्टमर तो देख के खुश हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, कि उनके बीच में से कोई उठ के इतना आगे तक गया तो खुशी बहुत होती है उनको। एक आखिरी अगर सिंग सवाल हेटर भी अरमान है तो के साथ। सपोर्टर भी बहुत है। यस, वो तो है ही, वो तो हर जगह रहता ही है ऐसा। पर आपको अभी तक तो कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो चंद्रिका के जाने के बाद किसी सेलिब्रिटी या किसी से? सेलिब्रिटी एज सच तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ऐसे ओके। अंदर चंद्रिका और मैं किसी को अरमान नहीं जानता। डिस्कस कर रहे थे कि हम साथ में बाहर आके इसको बड़ा ब्रांड बनाएंगे और कोलैबोरेशन में बिजनेस करेंगे। तो आप इस बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहेंगे अरमान और इनके साथ? एक्सपेंडेशन का प्लान तो है मेरा ऑलरेडी। ऑब्वियसली ओके। बात है, हमारे लिए जो फर्स्ट प्राइमरी प्राइमरी आता है वो शॉप आती है हमारी, सोशल लाइफ सेकेंडरी है। तो इसका मतलब मैं तो ये इसी को समझूं कि एक्सपेंड करना चाहेंगे। क्या आप इंडिविजुअली एक्सपेंड करना चाहेंगे इसको? अभी तक का तो मेरा यही प्लान है। ओके ओके। आखिर में चंद्रिका के फैंस के लिए कुछ कहेंगे? प्लीज जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, यही बोलूंगा, जितना हो सके उसको उतना सपोर्ट करो ताकि वो आगे तक जाए। एक और चीज जो मैं जानना चाह रही थी कि जब चंद्रिका ने लेटर नहीं लिखा उसके बाद शिवानी बहुत रोती हुई नजर आई, चक्कर आए, गिर गई, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रही थी जिसका नुकसान चंद्रिका को हो सकता है? विक्टिम कार्ड तो नहीं कहूंगा, किसी की हेल्थ इश्यूज को मैं विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ओके, आपको ऑब्वियसली लगता है वो बात है सब कि सच है? कोई अगर ऑब्वियसली बात है कोई अपना इतने ही इमेज कैसे गिराना चाहेगा कि जानबूझ के विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। तो आपको लगता है कि शिवानी के साथ जो हो रहा था वो उसका मतलब वो ड्रामा नहीं कर रही थी, रियल है? नेचुरल रिएक्शन है वो। अच्छा, टॉप 5 किसको देखते हैं और विनर? टॉप 5 मैं यहाँ पे देखता हूँ रणवीर शोरे, सना मकबूल, लव कटारिया, चंद्रिका और शिवानी। मतलब आप विशाल को नहीं देखते, अरमान को भी नहीं देखते? नहीं सॉरी बट नहीं, कोई नहीं, अपनी और विनर। विनर तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चंद्रिका को ही देखना चाहूंगा। और लेकिन उसके एज अ बाद पब्लिक ऑडियंस है उस एज उसके बाद मतलब मतलब चंद्रिका अगर नहीं बनी तो सेकंड नंबर पे आपकी विनर की चॉइस क्या है? रणवीर शोरे, रणवीर शोरे। रणवीर को देखना चाहेंगे आपको? वो मतलब वो ये लगते हैं बिंदास मुंह पे बोलने वाले। हाँ चलिए, थैंक यू यश हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स, वेलकम। बाय बाय।